अपन है, बहका हुआ मौसम है। और क्या हंसता हुआ बचपन है, बहका हुआ मौसम है, और छेड़ो तो एक शोला है, छूलो तो एक शबनम है। तो गाँव में मेले में बाग में अकेले में दिल को करे जो बेकरार वो प्यार है, तो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, और उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, तो होगा जो नशा फिर तैयार, होगा जो नशा फिर तैयार, वो प्यार है शोखियों में शशि जी। हाँ। अपने कलाकारों को केवल बातें करना ना सिखाइए, काम करना भी सिखाइए। और क्या? नीचे आए हैं। हाँ। सर झुक गया है, गूगल नहीं चल रहा है। हाँ। वो चला गया है, वो आ गया, उनसे कहिए एक बार इतना चिल्ला के दिखाएं। और क्या, मेहनत करें, 100 रुपए बढ़ जाएगा। काम करना सीखिए। गीत सुनिएगा। मैं निवेदन कर रही हूँ, इस गीत को समझने में थोड़ा सा आपको मेरे साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगेगा गीत अगर आप मन से सुनेंगे। सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ के पास 3 लोग पहुंच गए। वो 3 कौन है? एक है देवता लोग, एक है दैत्य यानी राक्षस लोग, और तीसरे हैं मनुष्य यानी हम जैसे इंसान। और तीनों पहुंचे किस लिए? क्योंकि भोलेनाथ के पास 100 करोड़ श्लोकों की एक रामायण है। तीनों पहुंचे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, एक काम करिए। करिए। करिए क्या? क्या? के देव तनुजवा मानो सन्मुख शिव शंकर के, यानी अरे देव तनुजवा मानो सन्मुख शिव शंकर के। तो कहने लगे, अरे मानस प्रभु दे दीजे, ये जो मानस है ये मानस प्रभु दे दीजे, तीनों में विभाजित करके।
भोलेनाथ से कहा तीनों में बांट दीजिए, तो भोलेनाथ ने बंटवारा शुरू किया। अब 100 करोड़ श्लोक की रामायण है, उसमें प्रत्येक को 99,99,99,999 श्लोक दे दिए। तो बांटा है, बांटा है, अरे मानस को बांटा है, तो बांटने से बच गया जो सार, तो मिला सार है। अब देखे हुआ क्या, क्या के दो अक्षर के बीच में पाया। भैया भैया भाई साहब, ए भैया दादा, अपना गुणा भाग लगा लीजिए, लेकिन गीत सुनिए सुनिए सुनिए। के बांटा है, बांटा है, और मानस को बांटा है, बांटने से बच गया जो सार, तो मिला सार है। मिला क्या, क्या? सबको बांट दिया तो क्या बच गया, 32 अक्षर का ये श्लोक बचा, तो उसमें से भी 10-10 अक्षर बांट दिए। अब बच गया दो, और वो दो क्या है, क्या के दो अक्षर के बीच में पाया एक लाठी का जोड़। अरे दो अक्षर के बीच में पाया एक लाठी का जोड़, तो ब्रह्म बीच, अरे ब्रह्म जीव के बीच में पाया फिर माया का तोड़। तो जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, वो तो राम है। तो ससुराज कमल जी बड़े गौर से सुनिएगा, सुनिए। सब कुछ बंटवारा होने के बाद दो अक्षर का एक नाम यानी राम बच गया, और भगवान से उन लोगों ने कहा कि इसको भी आने दो, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा इसको आने नहीं दो, इसको जाने दो। और वो राम नाम भगवान ने दिया नहीं, अब उसमें रा और माँ के बीच में है लाठी का जोड़, और वही लाठी है ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो दो अक्षर का बचा है पावन नाम, तो दो अक्षर के बीच में पाया एक लाठी का जोड़, और ब्रह्म जीव के बीच में पाया फिर माया का तोड़। तो जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, वो तो राम है। अब पूरे गीत में भाई साहब, पूरे गीत में जोड़ और तोड़ छूटेगा नहीं। अब देखिए संजय भैया कहाँ जोड़ तोड़, के शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, अरे शक्तिमान है राम तो सीता उनकी शक्ति, और शक्तिमान की शक्ति तो दूर नहीं रह सकती। अब देवता चाहते हैं कि भगवान श्री राम का विवाह जानकी से हो जाए, हो जाए, और जब हुआ तो देखे 10 सर वाले रावण को तो भगवान राम ने मार दिया, लेकिन एक महारावण है जो 100 सिर वाला है, उसको राम भी नहीं मार पा रहे। तो उसको मारने के लिए सीता जी को आना पड़ा, और जब सीता जी को आना पड़ा तो एक नाम और निकल रहा है। क्या? काटा है, काटा है, विपदा को काटा है, देख करके सुखी सकल संसार, तो मिला सार है। अब हुआ क्या, क्या देवताओं ने कहा के दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़। शशि जी फिर आया जोड़, तो दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोड़, और गठबंधन के खातिर दिया धनुष राम ने तोड़। जब तोड़ दिया
तो भगवान श्री राम ने एक वरदान दे दिया, कहा सीता तुमने महारावण को मार दिया। लोग आज तक राम राम मुझे कहते हैं, लेकिन आज के बाद लोग पहले तुम्हारा नाम लेंगे फिर मेरा नाम लेंगे। तो तब से एक नाम बन गया। तो दोनों में लगाया जाए गठबंधन का जोर, और गठबंधन के खातिर दिया धनुष राम ने तो। तो जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, जोड़ तोड़ से बना जो पावन नाम, वो सीता राम है। अब पहले एक नाम जो राम है, देखिए जोड़ तोड़ से एक नाम निकला राम, और फिर जोड़ तोड़ से एक नाम निकला जिसको कहते हैं सीता राम, और अब देखिए किसका नाम निकल रहा है। सुनिए और शशि जी बहुत समझ लीजिएगा तब उत्तर लिखिएगा। और क्या, और प्रसंग को आप लोग भी सुनिएगा। एक नारी, इस नारी का नाम है चंद्रसेना। चंद्रसेना भगवान श्री राम को बड़ा प्रेम करती है। एक दिन उसने हनुमान को देखा तो चंद्रसेना ने कहा कि हनुमान जी अगर आप चाह लें तो आपके कहने से एक रात के लिए भगवान राम मेरे कक्ष में आ जाएं, एक रात में भगवान राम के साथ बिताना चाहती हूँ। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रतधारी हैं, वो पराई नारी के पास कैसे आए। लेकिन हनुमान जी ने कहा ठीक है चंद्रसेना, तुम्हारे अनुरोध पर मैं राम जी को भेजूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि जिस चारपाई पर तुम राम जी को बिठाओगी अगर वो चारपाई बैठते ही टूट गई तो भगवान राम रात में ही लौट आएंगे। उस नारी ने कहा ठीक है। और देखिए हनुमान जी के कहने से भगवान राम चंद्रसेना के कक्ष में आए, और आए जैसे ही चारपाई पर बैठे उसके पहले हनुमान जी ने कुछ भावरों को सिखा दिया, और उन भावरों ने जाकर चारपाई की पाटी को खोखला कर दिया। राम के बैठते ही वो चारपाई टूट गई, और जब टूट गई तो राम जी जाने लगे। उस नारी को रोते हुए राम जी ने देखा तो कहा क्या चाहती हो। क्या? उस नारी ने कहा प्रभु मैं आपको बहुत चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं इस जन्म में तो तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन सुनो मैं करता क्या हूँ। क्या? कि राम को पाना चाहे अरे राम को पाना चाहे वो नारी चंद्रसेना, पलंग खोखला करती भावरों की वो सेना। तो पाटा है दूरियों को पाटा है, पाटने से बन गए जो सार तो मिला सार है। अब भगवान राम ने कहा कि ये देवी, देवी तुम मुझे इतना चाहती हो, तुम्हारा नाम है चंद्रसेना, मेरा नाम है राम, तो जाओ ये राम तुम्हें वरदान देता है कि तुम्हारे चंद्र सेना का चंद्र मैं आज के बाद अपने नाम के आगे जोड़ लूंगा। और तब से भगवान राम को लोग राम चंद्र कहने लगे। अब शशि जी, पहले एक नारी है माया, राम के बीच में है माया नारी, दो अक्षर के बीच में एक लाठी का जोड़ वही है माया, और फिर एक नारी बीच में है, एक नारी नाम के आगे है यानी सीता राम, और एक नारी नाम के पीछे है यानी चंद्रसेना। भगवान राम कैसे बन रहे हैं तो लिखना पड़ा कि श्री राम ने चंद्र को लिया स्वयं नाम से जोड़। श्री राम ने चंद्र को लिया स्वयं से देखो जोड़, और जोड़ने से पहले दी है पलंग की पाटी तोड़। जोड़ तोड़ चल रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है, जोड़ने से पहले दी है पलंग की पाटी तोड़। तो जोड़ तोड़ से रामचंद्र सुख धाम, जोड़ तोड़ से रामचंद्र सुख धाम, तो सीता राम है जोड़।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए कीर्तन भगवान की जय। ये बात जय बोलते रहा करिए, जय जय ही पार लगाने वाली है। और देखिए तीन नाम है, एक नारी राम के बीच में है, एक नारी राम के आगे है, और एक नारी यानी चंद्रसेना का चंद्र राम ने जोड़ा तो एक नारी पीछे है। क्योंकि बहुत ही सुंदर और तन्मयता के साथ आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और दोनों ही कलाकारों की तरफ से बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट एवं मनोरम गीत गाए जा रहे हैं, इसलिए दोनों ही कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अविलंब बड़े भैया श्री ससिराज कमल जी का आह्वान करता हूँ एक छंद के माध्यम से कि करुण और करुणता से भरे सुख स्वर हो तो गिरते को गोद में उठाने चले आएंगे, और वंदन स्पंदन से जुड़ा हुआ क्रंदन हो तो पीर बन पीर को घटाने चले आएंगे, कि पांडु वधु द्रौपदी की पीर गंभीर सुन रे चीर बन चीर को बढ़ाने चले आएंगे, और प्रेम की पिपासा आशा भीलिनी के जैसी हो तो राम प्रभु जूठे बेर खाने चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, और आइए शशि भैया आपका स्वागत। उसमें फिल मिलाई जाए थोड़ी सी सरा जी। आपने नाम दिखाया कि राम, दो अक्षर बचे रा और मां, चाहिए दो अक्षर, दो है कि तीन है, रा आ और मां। आपने नाम की बात की, मैं साक्षात प्रभु राम की बात कर रहा हूं, और आपने कहा जोड़ तोड़, कोई जोड़ तोड़ वाला काम नहीं है, जो तुम गाओ वही हम गावे तो जवाबी कहां है। जोड़ तोड़ करने वाला काम ये जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ गाने पर वाले ज्यादा कर रहे हैं। जिसमें अब देखिए आपने रा और मा कहां से मिले, इस कथानक को लिया, अभी आपने कहा राम खीर से जन्मे, खीर से केवल राम ही नहीं जन्मे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान विभीषण, उसी खीर के अंश से। और जब वो खीर मिली कि चरु अग्नि से पाया उसका किया बंटवारा, अग्नि से पाया उसका किया बंटवारा, दशरथ जी ने बांटा उस खीर को, जो अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर लीना, कह के ही कहन रब सो देव रहे हो सो उभय भाग पुनि कहे, तो चरु अग्नि से पाया उसका किया बंटवारा, अर्ध भाग कौशल्या जीने पहले धारा, महाभ्रम तोड़ा है नाता कुल से जोड़ा है, पावन जो नहीं ना भी राम है। आपने कहा
जन्मे कुल में जगत पति तो जागे कुल के भाग। अगर गणित में जोड़ है तो गणित में भाग भी है कि जन्मे कुल में जगत पति तो जागे कुल के भाग। राम रूप में आए हरि जब किया है गुणा भाग। तो जो है आदि जो है आदि पूर्ण विराम। हाँ, जो है आदि पूर्ण विराम वो राम है जन्मे कुल में जगत। क्रांतिमाला जी, आपने राम का नाम दिखाया कि रा और मां मिले, जवाब में मैं साक्षात प्रभु राम का जन्म दिखा रहा हूं आपको। उसके बाद वो नाम आपने ले लिया, लेकिन उस नाम में जो विशेषता उसको आप नहीं ले पाए। नाम के पहले नाम, नाम के बाद में नाम, अब देखिए नाम के बीच में नाम। समझो, नाम आपने लिया लेकिन वहां तक आपकी नजर नहीं पहुंची। गुणा भाग बजरंग ने देखो जब है लगाया। गुणा भाग बजरंग ने देखो जब है लगाया। बाली को मारा प्रभु ने और सुग्रीव को बचाया। बाल को प्रभु राम ने मारा, सुग्रीव को अपने शरण में ले लिया, लेकिन आपने कहा सीताराम, इस नाम में मुझे क्या मिला कि मारा है। अरे मारा है तारा है, बाल की जो तारा है, नाम में नाम सरनाम है। आगे नाम पीछे नाम, नाम के बीच में नाम मिला है, कर लीजिए गुणा भाग। और सी और माँ के बीच में मिलता है तारा का भाग। सीताराम लिखिए, सी और माँ के बीच में मिलता है तारा। तो तारा होने की दो वजह हैं, एक तो बाल की तारा और एक तारा देवी जो 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। तो सी और माँ के बीच में मिलता है तारा का भाग। तो नाम सरनाम सीताराम है जन्मे कुल में जगत पति। नाम के पहले नाम, नाम के बाद में नाम, अरे तमाम नाम हैं भगवान के नाम के साथ। इन नाम से पहले नाम मिला है तुलसी राम कहाए। तुलसी राम, तुलसी का नाम जोड़ लिया। दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रघुनंदन कहलाए। कि जाना है माना है नाम जो सुहाना है, नाम में ही मिलता दूजा नाम है। भाग्य जगे हैं रत्ना करके जब बिगार गए भाग। आपने कहा माया भागी, रा और माँ के बीच में जो डंडा है उसको आपने बताया माया, लेकिन वाल्मीकि ने जब जपा तो माया को किनारे कर दिया, मरा मरा जपने लगे।
अरे भाग्य जगे हैं रत्नाकर, रत्नाकर यानी डाकू रत्नाकर, वही बाद में वाल्मीकि के भाग जगे हैं रत्नाकर के जब विकार गए भाग, और मरा मरा जपते जपते ही जागे उनके भाग। तो नाम एक नाम और देखिए, अस्त्र का नाम भी जुड़ गया कि नाम मिला पावन परशुराम है। परस यानी फरसा, फरसा धारण किया तो परशुराम नाम हो गया, और राम और परशुराम दोनों श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं। ये बात मिला पावन परशुराम है, जन्म कुल में जगत पति को।